म्यूजिक लेकर चैनल में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार आपके लिए लेकर हाजिर हूं एक इंटरेस्टिंग वीडियो। तो आज हम बात करेंगे MI के अभी लॉन्च हुए MI स्मार्ट बैंड 3i के बारे में कि किस तरह के फीचर्स के साथ वो इंडिया में लॉन्च हुआ है, कितना प्राइस है और हमें उसको खरीदना चाहिए या नहीं और कब वो आपके पास आ जाएगा अगर आप उसको ऑर्डर करते हो, वो सभी बातें आज हम जानेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं किन फीचर्स के साथ हमारा ये MI का स्मार्ट बैंड लॉन्च हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम इसका जो मॉडल नेम है मैं आपको बता देता हूँ। इसके मॉडल नेम रहता है MI स्मार्ट बैंड 3i, जो हमारा MI स्मार्ट बैंड 3 था। दरअसल उसका हम इसको छोटा भाई कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ फीचर मिस हैं, तो उन फीचर्स को आप इस वीडियो को देख कर जान ही पाओगे कि क्या क्या वो फीचर मिस रहते हैं। तो चलिए इसके प्राइस की ओर हम नज़र मार लेते हैं। तो इसका प्राइस रहता है 1299 रुपये, यानी कि 1300 रुपये। ब्लैक कलर में ये अवेलेबल होगा और उसकी स्क्रीन जो रहेगी वो रहती है ब्लैक एंड वाइट, जो हमारी MI बैंड 3 में भी थी। देन उसके बाद इसके डिस्प्ले का साइज रहता है 0.78 इंच और इसकी रेजोल्यूशन रहेगी 128x80। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं कि क्या इसमें टच पैनल हमें देखने को मिलेगा, तो इसमें टच पैनल हमें देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ वर्जन रहता है 4.2। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं एक बहुत बड़े डिफरेंस के बारे में। दरअसल जो MI बैंड 3 है, दरअसल उसके अंदर हमें हार्ट रेट मॉनिटर के लिए सेंसर देखने को मिलता है, लेकिन जो ये हमारा बैंड लॉन्च हुआ है 3i, इसके अंदर हमें हार्ट रेट मॉनिटर के लिए कोई सेंसर देखने को नहीं मिलता। उसके बाद इसमें जो बैटरी है वो रहेगी 110 mAh की, जिसको फुल चार्ज करने के लिए हमें 2.5 घंटे इसको चार्ज लगाना होगा और ये हमें लगभग 20 दिन का बैकअप प्रोवाइड कर देगी। तो उसके बाद अब हम जान लेते हैं कि किन किन फीचर्स के साथ ये लॉन्च हुआ है, कि इनमें क्या क्या फीचर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसमें हम कॉल की नोटिफिकेशन, मैसेज की नोटिफिकेशन, स्टेप काउंट कर सकते हैं या फिर कैलोरी कितनी गेन की है कितनी लॉस की है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। वेदर बता देगा हमें नेक्स्ट 3 दिन का, रनिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग और स्लीपिंग, कुछ इस तरह के इसमें फीचर हमें देखने को मिल जाते हैं। बाकी साइड में मैं आपको शो कर दूंगा कि और क्या क्या फीचर रहते हैं। देन उसके बाद हम चलते हैं कि ये वाटर रेजिस्टेंट है या नहीं। दरअसल ये वाटर रेजिस्टेंट रहेगा, ये रहेगा 50 मीटर तक वाटर रेजिस्टेंट। उसके बाद अगर मैं चलूं कि बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या कंटेंट्स देखने को मिलेंगे, तो बॉक्स के अंदर हमें एक ट्रैकर मिल जाएगा, एक बैंड मिल जाएगा, उसके बाद एक यूज़र मैनुअल और चार्जिंग के लिए केबल या फिर डॉक जो भी रहेगा। तो कुछ इस तरह के फीचर्स के साथ और इस तरह की फंक्शनैलिटी के साथ ये इंडिया में लॉन्च हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि किस तरह का ये स्मार्ट बैंड रहता है। तो अगर मैं बात करूँ हमारा जो पहले MI स्मार्ट बैंड 3 था, वो हमें खरीदना चाहिए या इसको हमें खरीदना चाहिए, तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास बजट है सिर्फ 1200-1300 रुपये के करीब, तो आप इस स्मार्ट बैंड को खरीद सकते हो क्योंकि ये कंपनी का भी है, एक लोकल खरीदने से अच्छा तो हम इसको खरीद सकते हैं। अगर हमारा बजट बन जाता है ज़्यादा का, तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप MI बैंड 3 को खरीदिए, क्योंकि MI बैंड 4 भी इंडिया में अवेलेबल है, तो आपको उसको खरीदना चाहिए। तो चलिए अब हम जान लेते हैं कि हम इस स्मार्ट बैंड को कहाँ से ऑर्डर करें और ये हमें कब तक मिल जाएगा। दरअसल ये अभी MI.com पर अवेलेबल है, आप इसको बाय कर सकते हो। तो प्री ऑर्डर आप इसको करोगे तो इसकी जो शिपिंग है वो 10 दिसंबर से शुरू होगी, तो 10 दिसंबर के बाद ही ये आपके एड्रेस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। तो इसमें अभी लगभग 20 दिन बाकी हैं। तो अगर आप इसको खरीदना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप इस स्मार्ट बैंड को आसानी से खरीद सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना ना भूलें और कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल दी म्यूजिक लगन को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर में आपके लिए लेकर आता रहूंगा कुछ इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो। शायद मैं इस स्मार्ट बैंड 3i की भी अनबॉक्सिंग आपके लिए लेकर आऊं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देख रहे थे दी म्यूजिकल हैकर। तो हंसते रहिए, हंसाते रहिए।